Hey guys, welcome back to our channel Bollywood Bustle. मैं विंध्या. आज की टॉप खबरें सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. रिलीज के एक दिन पहले मैदान फिल्म लैंड हुई लीगल ट्रबल में. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक माइसोर कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि मैदान की फिल्म रिलीज रोकी जाए. सूत्रों की माने तो स्क्रिप्ट राइटर अनिल कुमार ने कंप्लेंट फाइल की है कि दरअसल मैदान की कहानी उन्होंने लिखी 2010 में और उन्होंने इसे स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन मुंबई में रजिस्टर भी करवाया. उनका कहना है कि मेकर्स ने उनकी कहानी चुराई है और मैदान फिल्म पर प्लेजरिज्म का आरोप लगाया है उन्होंने. कोर्ट ने तो फिल्म की रिलीज स्टॉल करने के ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन मेकर्स फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे में देखना होगा कि क्या कल मैदान रिलीज होती है या नहीं. कार्तिक आर्यन ने डिस्क्लोज की अपने लव लाइफ की डिटेल्स. नो फिल्टर नेहा पे इस हफ्ते आए कार्तिक आर्यन और जब नेहा ने कार्तिक से उनके लव लाइफ के बारे में पूछा तो कार्तिक ने कहा कि वो पिछले 2 सालों से चंदू चैंपियन की प्रेप और शूट में इतने बिजी थे कि उन्हें लव और रिलेशनशिप्स के लिए टाइम ही नहीं मिला. लेकिन कार्तिक ने कहा कि उनके पास अब फाइनली वक्त है और वो डेट करना चाहते हैं. इनफैक्ट उन्होंने नेहा से भी कहा कि वो किसी को उनके साथ सेटअप करे. अपने शादी पर फाइनली बात की तापसी पन्नू ने. तापसी पन्नू की शादी की वीडियो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और आज इसको एड्रेस करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मेरी लाइफ पब्लिक है, मेरे पार्टनर की नहीं, और मैं नहीं चाहती कि सोशल मीडिया पर हमारी शादी को लेकर जजमेंट्स और कॉमेंट्स पास किए जाए. जो लोग मेरे बहुत करीब है वो मेरी शादी में शामिल थे और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूँ. मुझे नहीं पता कि अपनी वेडिंग पिक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके मुझे कैसा लगेगा. मैं शायद ऐसा ना करूँ. क्या यश नहीं होने वाले रामायण की कास्ट का हिस्सा. जूम के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक केजीएफ एक्टर यश नितेश तिवारी के रामायण में रावण का रोल नहीं निभाने वाले. रिपोर्टेडली यश को कई महीनों से ये रोल ऑफर किया जा रहा है लेकिन उन्होंने फाइनली मना कर दिया और अब वो इस फिल्म में जुड़े हैं लेकिन जस्ट एज अ को प्रोड्यूसर. सूत्रों की माने तो रावण का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में होगा. ऐसे में शायद हमें इस रोल की डिटेल्स अगले साल तक ना मिले. जानवी कपूर ने किया अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल. जानवी कपूर अक्सर अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ स्पॉट की जाती है लेकिन उन्होंने कभी ऑफिशियली एडमिट नहीं किया कि वो उन्हें डेट कर रही है. लेकिन कल रात अपने डैड बोनी कपूर की प्रोड्यूस फिल्म मैदान की स्क्रीनिंग पर जानवी ने किया कुछ ऐसा कि उनकी रिलेशनशिप हो गई ऑफिशियल. जानवी ने स्क्रीनिंग पर एक कस्टम नेकलेस पहना जिसपे शिकु लिखा था और ये पिक्स पूरे सोशल मीडिया पे छा गई है. फिल्म में वेट लॉस की वजह से इस एक्टर की जान भी जा सकती थी. रणदीप हुडा लास्ट नजर आए थे फिल्म स्वतंत्र वीर सवारकर में. रणदीप की इस परफॉर्मेंस की लोग तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन सभी उनके ट्रांसफॉर्मेशन से काफी इम्प्रेस्ड है. रणदीप ने इस फिल्म के लिए करीब 32 केजी लूज किए हैं और इसकी बात करते हुए उन्होंने आज एक इंटरव्यू में बताया कि रैपिड वेट लॉस की वजह से वो बहुत वीक हो गए थे और कई बार वो फेंट भी हो गए थे और फिल्म की शूट डिले होने की वजह से उन्हें वेट लॉस करते रहना पड़ा जिससे उनकी जान को भी खतरा था. इस फिल्म में बॉबी देओल नजर आएंगे एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ. एनिमल की सक्सेस के बाद बॉबी देओल साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट वांटेड विलन बन गए हैं. उन्होंने सूर्या के साथ कंगुआ की शूटिंग कंप्लीट कर ली है एंड रिपोर्ट्स की माने तो वो अब नेक्स्ट नंदमूरी बालकृष्णा की मूवी में विलन का किरदार प्ले करेंगे. उस फिल्म से जुड़े एक क्लोज सोर्स ने रिवील किया कि बॉबी फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन में है अपने न्यू लुक के लिए एंड अगले कुछ महीनों में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी. बॉबी एक अलग अंदाज में नजर आएंगे इस फिल्म में और वो इस कैरेक्टर को निभाने के लिए एंड साउथ इंडिया के सबसे मशहूर हीरोज में से एक बालकृष्णा के साथ काम करने के लिए काफी एंथुजियास्टिक है, कहा उस सोर्स ने. आपको बता दें कि इस फिल्म की अनाउंसमेंट रिसेंटली की गई थी लेकिन सूत्रों की माने तो शायद मेकर्स फिल्म की टाइटल एंड कास्ट रिवील करते हुए एक और अनाउंसमेंट भी जल्द करेंगे. रिपोर्ट्स की माने तो बॉबी देओल ने रिसेंटली आर्यन खान की डेब्यू सीरीज स्टारडम की शूटिंग कंप्लीट की है एंड वो अब नेक्स्ट इस बालकृष्णा फिल्म की ही शूटिंग करेंगे. हालांकि खबरें आई थी कि बॉबी देओल ने पवन कल्याण के साथ भी एक फिल्म साइन की है लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इलेक्शन कैंपेन्स में बिजी होने की वजह से पवन कल्याण की वो फिल्म डिले हो गई है. फैंस ने पूरी तरह घेर लिया इस एक्टर को. आरआरआर स्टार जूनियर एनटीआर कल शाम को एक इवेंट अटेंड करने गए थे और वहां उन्हें देखकर फैंस इतने खुश हो गए कि वो उन पर टूट पड़े. इस इवेंट से कई वीडियोस आज वायरल हो रही है जहां हम देख सकते हैं कि जूनियर एनटीआर को
फैंस ने इस तरह घेर लिया कि वो बाहर नहीं जा पा रहे थे। इनफैक्ट एक फैन तो उनके पैरों पर गिर गए, जिस वजह से NTR ऑलमोस्ट स्लिप हो गए। क्या शाहरुख खान और रजनीकांत नजर आएंगे एक फिल्म में? जब से रजनीकांत की थलाइवर 171 अनाउंस हुई है, तब से लोग इस फिल्म को लेकर क्यूरियस हो गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टर लोकेश कनकराज इस फिल्म को काफी मैसिव स्केल पर शूट करने वाले हैं, बहुत सारे सरप्राइज कैमियोस के साथ, एंड इसीलिए उन्होंने शाहरुख खान को भी अप्रोच किया है। रिपोर्ट्स की माने तो शायद शाहरुख खान थलाइवर 171 में एक गेस्ट अपीयरेंस करते हुए दिखे। शाहरुख खान ने पहले कई अवसरों पर रजनी सर के लिए अपनी एडमिरेशन की बात की है। इनफैक्ट उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस में एक गाना भी रजनी सर को डेडिकेट किया। ऐसे में मीडिया पोर्टल्स काफी कॉन्फिडेंट है शाहरुख खान की इस गेस्ट अपीयरेंस को लेके। आपको बता दें कि सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं बल्कि साउथ सुपरस्टार्स मोहन और विजय सेतुपति को भी अप्रोच किया गया है इस फिल्म में कैमियोस के लिए। रिपोर्ट्स की माने तो थलाइवर 171 की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और मेकर्स 22 अप्रैल को फिल्म की पहली टीजर भी रिलीज करने वाले हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि टीम इन स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस से रिलेटेड नेक्स्ट क्या डिटेल्स रिलीज करती है। सिबलिंग्स डे पर कैसे विश किया बीटाउन एक्टर्स ने अपने सिबलिंग्स को? आज सिबलिंग्स डे के अवसर पर अपने भाई बहनों को विश करते हुए बीटाउन एक्टर्स ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की, तो चलिए देते हैं आपको उसकी झलक। वरुण धवन ने अपने बड़े भाई रोहित धवन के साथ कुछ अनसीन पिक्चर्स शेयर की, तो वहीं तापसी पन्नू ने भी अपनी और उनकी बहन शगुन की एक प्यारी कैंडिड वीडियो शेयर की। शिल्पा शेट्टी और अनन्या पांडे ने भी अपनी अपनी छोटी बहनों को विश करते हुए थ्रोबैक पिक्चर्स शेयर की इंस्टाग्राम पर। सलमान खान की नेक्स्ट फिल्म की टाइटल होने वाली है कल रिवील। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि सलमान खान अब नेक्स्ट AR मुर्गदोस द्वारा डायरेक्टेड एक्शन थ्रिलर में नजर आएंगे। ये फिल्म अगले साल ईद रिलीज के लिए स्लेटेड है, एंड बॉलीवुड हंगामा की लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो कल ईद 2024 के अवसर पर सलमान खान और साजिद इस फिल्म की टाइटल अनवील करने वाले हैं। फिल्म से जुड़े एक क्लोज सोर्स ने रिवील किया है कि सलमान और साजिद ने ये कलेक्टिव डिसीजन लिया है कि वो अपने फैंस को कल ये सरप्राइज देंगे। आपको बता दें कि सलमान खान की धर्मा फिल्म द बुल फिलहाल डिले हो चुकी है, जिस वजह से वो अब इस साजिद नाडियाडवाला की फिल्म पर ही फोकस कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान इस फिल्म की शूटिंग इस साल मई में शुरू करेंगे, एंड मेकर्स इंडिया और अब्रॉड में इस फिल्म की स्केड्यूल्स प्लान कर रहे हैं। साजिद ने फिल्म के अनाउंसमेंट के टाइम बताया था कि ये एक नेवर सीन बिफोर एक्शन थ्रिलर होने वाली है, जिसमें सलमान एक नए लाइट में नजर आएंगे। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस पावरफुल फिल्म को क्या टाइटल देते हैं मेकर्स। कल फिल्म की टाइटल अनाउंसमेंट के बाद देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस फिल्म की और डिटेल्स कब रिवील होती है और इस फिल्म में विलन और लीड एक्ट्रेस के तौर पे कौन जुड़ते हैं। ये बीटाउन एक्ट्रेस जल्द खोलने वाली है अपना रेस्टोरेंट। रिपोर्ट्स के अनुसार बीटाउन दीवार रकुलप्रीत सिंह अप्रैल 16 को हैदराबाद में अपना खुद का फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोलने वाली है। इस रेस्टोरेंट का नाम है आरंभम स्टार्ट्स विद मिलेट। क्योंकि रकुल खुद एक फिटनेस एंथुजियास्ट है, तो इस रेस्टोरेंट की खास बात यही होने वाली है कि यहाँ मिलने वाले सारे आइटम्स न्यूट्रिशनल वैल्यू में बहुत हाई होंगे और कस्टमर्स को हेल्दी लाइफस्टाइल अटेन करने में हेल्प करेंगे। आयुष्मान खुराना की नेक्स्ट मूवी डिटेल्स हुई रिवील। ड्रीम गर्ल 2 की सक्सेस के बाद आयुष्मान ने अपने म्यूजिक पर फोकस किया और अब उनके फैंस बेताब है उनकी नेक्स्ट फिल्म अनाउंसमेंट के लिए। सूत्रों की माने तो आयुष्मान ने रिसेंटली भूल भुलैया 3 डायरेक्टर अनीस बासमी के साथ एक हॉरर कॉमेडी फिल्म साइन की है, जिसका नाम होने वाला है भूतियापा। फिलहाल अनीस भूल भुलैया 3 के साथ बिजी है और आयुष्मान भी सौरव गांगुली की बायोपिक की प्रेप में बिजी है। ऐसे में शायद हमें इस फिल्म की और डिटेल्स इस साल के अंत में पता चले। क्रू बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। कल फेस्टिवल के अवसर पर क्रू की कलेक्शंस फिर से स्पाइक हो गई और फिल्म ने कल 2.15 करोड़ की कलेक्शन की और आज डे 13 पर अभी तक 73 लाख की कलेक्शन हुई है। फिल्म की टोटल डोमेस्टिक कलेक्शंस है फिलहाल 62.87 करोड़ पर। ऐसे में देखना होगा कि क्या कल बड़े मियां छोटे मियां और मैदान की रिलीज के बावजूद क्रू बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुली रन कर पाती है या नहीं। बड़े मियां छोटे मियां एडवांस बुकिंग्स। टाइगर और अक्षय स्टारर बड़े मियां छोटे मियां की एडवांस बुकिंग आज देख रही है हाइक। रिपोर्टेडली कल फर्स्ट डे के लिए करीब 45,000 टिकट्स की सेल हो चुकी है और फिल्म ने फाइनली 1 करोड़ की कलेक्शन कर ली है। हालांकि ये एक अच्छा नंबर है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि फिल्म बहुत स्लो कलेक्शन देख रही है और शायद कल डे 1 पे ये एक्सपेक्टेड ओपनिंग ना देखे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।